हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीसी एडुकेशन। जैसे कि हमारा चैप्टर इंटीग्रेशन चल रहा है और आज हम क्वेश्चन नंबर 19 से करेंगे। ओके, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, तो देखो उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। हमारे को दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, x माइनस टू डिवाइड में x प्लस टू। अभी आप खुद सोचो इसको सॉल्यूशन कैसे करोगे, न पावर है, मीन्स न स्क्वायर है, न ही क्यूब है। अगर जो स्क्वायर हो क्यूब हो तो उसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। इसको किस तरह सॉल्व करें, तो देखो इसको किस तरह करेंगे, इसको इस तरह किया जाएगा। देखो ये जो डिवाइड में x प्लस टू है वो मैं सेम रखता हूं, ठीक है। ऊपर क्या है, ऊपर है x माइनस टू, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x प्लस टू माइनस फोर। मैंने सिर्फ क्या किया, माइनस टू को प्लस टू में कन्वर्ट किया एंड माइनस फोर, बट टू में से मैं फोर माइनस करूं तो आएगा तो वही ना, माइनस टू ही आने वाला है, बराबर ना। मीन्स मैंने इसको सॉल्व किया, और कैसे सॉल्व किया, क्यों ऐसे प्लस टू और माइनस फोर लिखा, बिकॉज डिवाइड में एक्स प्लस टू दिया हुआ है। आप देखो अच्छी तरह, डिवाइड में एक्स प्लस टू दिया हुआ है, तो मुझे वहां पे भी एक्स प्लस टू लाना था, तो एक्स प्लस टू अगर जो मुझे प्लस टू लिखूंगा मैं, तो पीछे माइनस फोर रखना पड़ेगा, बिकॉज माइनस फोर को और टू इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस टू ही आना चाहिए। मीन्स इसको सॉल्व करने से ऊपर वाला ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह मैंने रखा, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। अभी मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, देखो x प्लस टू डिवाइड में x प्लस टू माइनस फोर डिवाइड में x प्लस टू। मीन्स जो डिवाइड में है उसको मैंने दोनों से डिवाइड किया, x प्लस टू डिवाइड x प्लस टू, बीच में माइनस है माइनस, फिर फोर को भी डिवाइड किया, क्योंकि अभी एलसीएम निकालूंगा तो सेम ही आने वाला ना, ठीक है ना। तो मैंने जैसे बताया था सबसे डिवाइड कर सकते हो, किसी एक से नहीं, तो मैंने इसको साथ में लिया x प्लस टू और डिवाइड किया x प्लस टू, बीच में माइनस है, फिर फोर और ये x प्लस टू। ओके, इजी। फिर क्या करना है, अभी आगे और सॉल्व करेंगे। अभी देखो इंटीग्रेशन, ये x प्लस टू कट जाएगा, रिमेनिंग क्या बचा, वन माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं फोर इंटू वन डिवाइड में x प्लस टू। ऐसे लिखो तो भी चलेगा, सेम ही रखना हो तो भी चलेगा। मैंने आपको बताया फोर डिवाइड में एक्स प्लस टू, सेम रखोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे आप, तो देखो वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, वन कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन x, जैसे मैंने बताया वन हो तो वन एक्स, थ्री हो तो थ्री एक्स, फाइव हो तो फाइव एक्स, बराबर ना। तो कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन होगा x, फिर ये माइनस किस है, फिर ये जो फोर है फोर में सेम रखूंगा। अभी क्या है, वन डिवाइड में एक्स प्लस टू, वन डिवाइड में एक्स प्लस टू मीन्स उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ब्रैकेट में एक्स प्लस टू। जैसे कि मैंने एक आपको इंटीग्रेशन बताया था, एक फॉर्मूला बताई थी, वन डिवाइड में ए एक्स प्लस बी हो, ए एक्स प्लस बी हो उसका, ये फॉर्मूला है सिखाई है मैंने आपको, तो इसका इंटीग्रेशन करना हो मुझे तो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ए एक्स प्लस बी, और x के साथ जो होता है वो डिवाइड में जाता है, बराबर ना। सेम वही किया है भाई, देखो पहले देखिए फोर तो सेम ही रखा, कांस्टेंट है, वन डिवाइड में x प्लस टू है तो वन डिवाइड x प्लस टू का मैंने इंटीग्रेशन किया log x प्लस टू, और यहाँ पे x के साथ यहाँ पे वन है, डिवाइड में वन रखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, और पीछे प्लस ही कॉन्स्टेंट रखते ही है, तो ये हमारा सम कंप्लीट हो गया, इसका आंसर आ गया। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो कंप्लीट हो गया।